कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुंडा मामले में घिराए हैं। गवर्नर थारचंद गहलोत ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है, अब उनके खिलाफ केस चलेगा। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन आवंटन की गड़बड़ी का आरोप है, जबकि मुंडा मामले में राज्यपाल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। आरटीआई एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्ण द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाया जाएगा। अब्राहम ने राज्यपाल से सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस चलाने की मांग की, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना सीएम के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता। अपनी शिकायत में अब्राहम ने सिद्धारमैया के अलावा उनकी पत्नी, बेटे और मुड़ा के कमिश्नर के खिलाफ केस चलाने की मांग की। अब आइए जानते हैं ये मुड़ा योजना क्या थी। साल 2020 में मुड़ा योजना शुरू की गई, जिसके तहत लोगों से मैसूर के विकास के नाम पर उनकी जमीन ली गई। इसके तहत 50-50 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। इसके चलते लोगों की जितनी जमीन ली गई उसकी 50% जमीन या वैकल्पिक साइट उन्हें मुआवजे के तौर पर दी जानी चाहिए थी। हालांकि साल 2023 में शहरी विकास मंत्री विरोधी सुरेश की शिकायतें आने के बाद इस योजना को रद्द कर दिया गया। हालांकि आरोप है कि इस योजना के निरस्त होने के बाद भी इसके तहत साइटों का आवंटन जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि इस योजना में कई उल्लंघन किए गए, जैसे व्यक्तियों को योजना के तहत जितनी जमीन दी जानी चाहिए थी उससे ज्यादा वैकल्पिक साइटें दी गई। साथ ही आरोप ये भी लगा कि रियल एस्टेट एजेंटों को इस स्कीम की जमीन दी गई, जबकि सीएम सिद्धारमैया के साथ साथ उनकी पत्नी पर भी आरोप है कि पत्नी पार्वती के पास मैसूर के केसार गांव में 3 एकड़ की जमीन थी। ये जमीन विकास के लिए मुड़ा ने अधिग्रहित की थी और मैसूर के एक पॉश इलाके में सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन के बदले एक जमीन आवंटित कर दी गई। यह आरोप लगाया गया कि सीएम की पत्नी पार्वती जो जमीन आवंटित की गई उसमें मुड़ा द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन की कीमत से ज्यादा की गई। पार्वती सिद्धारमैया के पास मूल रूप से मैसूर के केसार गांव में लगभग 3 एकड़ की जमीन थी, जो उनके भाई मल्लिकार्जुन ने उनको गिफ्ट में दी थी। इस जमीन को विकास के लिए मुड़ा द्वारा अधिग्रहित किया गया, जबकि 2021 में पार्वती को दक्षिण मैसूर में एक प्रमुख इलाके में विजयनगर में 38,283 वर्ग फुट की साइट दे दी गई। कथित तौर पर सीएम की पत्नी ने जितनी जमीन मुड़ा को दी उससे ज्यादा उन्हें मुआवजे में दे दी गई, जिसके बाद से योजना पर कई सवाल खड़े हुए। मामले के खुलासे के बाद राज्य के विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर है। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने सीएम के खिलाफ 26 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया और सीएम के अगले 7 दिन में जवाब मांग लिया, जिसके बाद भी अब गवर्नर ने उस पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। बीजेपी नेता आर अशोक और सीटी रवि ने मुड़ा पर पार्वती सिद्धारमैया सहित प्रभावशाली व्यक्तियों को मैसूर के पौश इलाकों में वैकल्पिक साइट आवंटित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पार्वती से जितने की जमीन ली गई उससे ज्यादा कीमत की उन्हें जमीन दे दी गई। विपक्ष का दावा यह भी रहा कि इससे सरकार को 4,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। हालांकि सीएम सिद्धारमैया के वकील A.S. पोन्ना ने इस मामले में कहा कि पार्वती सिद्धारमैया की जमीन 57 करोड़ की थी और उन्हें सिर्फ 15 से 16 करोड़ का मुआवजा मिला। साथ ही सीएम सिद्धारमैया ने भी कहा कि इस मामले में उनका उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने विपक्षी भाजपा और JDS पर आरोप लगाया कि नफरत और बदले की भावना से उनकी छवि बिगाड़ने का इरादा है और उनके परिवार में ही फूट डालने का तरीका है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।